हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और यहाँ पे सब आ चुके हैं, लेट्स वेट फॉर टू मिनट्स, सब ज्वाइन हो जाए, लेट देन वी कैन स्टार्ट द सेशंस। आज तुम लोग को मैं टोटल तीन इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा इजी लेवल का, कॉलिनेरियस टाइप का। उसके बाद आ जाएगी फोर फीचर टाइप्स के और उसके बाद आ जाएगी री इश्यू ऑफ टाइप के। तो ऐसे करके मैं टोटल आपको तीन इश्यू ऑफ शेयर्स पे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और जो क्वेश्चन है वो बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है और बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ऐसे अज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशंस। यस राधे राधे, हाय सर, रावण आ चुका है, सौम्या जैन आ चुकी है, पार्थ शेख सर आपसे बात करना है, अरे शेख साहब बोल रहे आपसे बात करें, नो डाउट अपन बात करेंगे। मीनारा आ चुकी है एंड लेट्स वेट फॉर टू मिनट, जो सोया हुआ है उसको प्लीज जगा दीजिए, शेख साहब अपन बाद में बात करेंगे, नो डाउट, ये मैं जरूर नोट डाउन करके रखूंगा। खुशी आ चुकी है, गुड आफ्टरनून। हिमांशु आ चुका है, जय श्री राम सर, जय श्री राम। एंड आई नो आपका मैसेज पहुंच चुका है मेरे पास। मीनारा हाय हाय हाय। तेजस आ चुका है, हाय सर, हेलो हेलो तेजस। एंड और दो मिनट वेट कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चंस जो मैंने लेके आया हूँ तुम लोगों को बता देता हूँ, ये जो बुक्स है अपनी नथिंग बट ऑसवाल पब्लिशर्स बुक्स है, उसमें से मैं क्वेश्चंस निकाला है, उसमें से पास्ट ईयर का पेपर है, सैंपल्स पेपर है, उसमें से ही मैंने क्या किया है, तुम लोग क्या तीन क्वेश्चंस मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ। मेरे हिसाब से अगर ये तीन क्वेश्चन आज अपन ने देख लिए तो बॉस आपका जो इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में जो डर है वो निकल जाएगा, मतलब आपके आठ मार्क पक्के हैं। तो प्लीज बच्चे लोग जितना हो सके शेयर कर दीजिए। यहाँ पे मनमित कौर आ गई है, संजना गुप्ता आ गई है यहाँ पे, और प्रिंसी शर्मा आ गई है, थैंक यू सो मच प्रिंसी, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे उसकी कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। और कल सर बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इश्यू ऑफ शेयर्स पे कब लेके आइए, तो आपकी फरमाइश पे लेके आया हो, तो प्लीज आपको वीडियो तीनों क्वेश्चन प्लीज एंड तक जरूर देखना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, उससे अच्छा विदाउट टाइम वेस्ट, और आपका कमेंट का जवाब लास्ट में दूंगा मैं आपको, क्योंकि क्या होता है कि जनरली मैं क्वेश्चन पढ़ाते रहता हूँ तो बीच में कभी कभी हो जाता है कि भाई कि अकाउंट है तो कॉन्सेंट्रेशन देना जरूरी, वरना एक अमाउंट एक एंट्री आगे पीछे चली गई तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, और कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा तो नो डाउट मैं नोट डाउन करके रखूंगा, आपका लास्ट में क्या करूंगा उसका आंसर जरूर दूंगा मैं। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे वन बाय वन। ये रहा क्वेश्चंस, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग इश्यू ऑफ शेयर्स। पहला क्वेश्चन ऐसा करके तीन लेके आया मैंने तुम लोगों को, जैसे बोला एक दो और तीन, तीनों तीन क्वेश्चन क्या करेंगे अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो पहला है, अभी पहला पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लूंगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे सम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। समीर एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलो। ₹100 का शेयर से भाई 25,000 शेयर क्या किया उसने ऑफर किए, ₹25 एप्लीकेशन पे आ रहा है, ₹50 अलॉटमेंट पे आएगा और ₹25 वापस से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएगा। तो 25 और 50 75 और 75 20 यहाँ पे 100 हो जाएगा, मतलब देर इज नो प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम क्या है आपका आंसर्स हो, मतलब क्वेश्चंस है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब भाई कंपनी ने ऑफर कितने का किया था 25,000 का, पर कंपनी को सामने रिस्पांस कितने का मिला बच्चे लोग 30,000 का, मतलब ये कहा ना का क्या है सर, ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्या बोलते हैं इसको आप, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलोगे, यस और नो, ठीक है। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वर मेड टू ऑल, मतलब कंपनी ने क्या किया किसको नाराज नहीं किया, मतलब कंपनी ने क्या किया प्रोराटा बेस पे, मतलब सभी को जितनी एप्लीकेशन आई थी सभी को क्या किया शेयर इश्यू किया है, मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल जितने 5 शेयर इश्यू किए ऑफर किए रहेंगे, मतलब जिसने एप्लीकेशन दी रहेगी उसको 4 मिलेगा, मतलब सम काइंड ऑफ रेशियो कंपनी ने मैनेजमेंट ने डिसाइड करके प्रोराटा बेस पे क्या किया अलॉटमेंट किया है, मतलब यहां पे कोई पैसा रिफंड नहीं जाने वाला है, बॉटम लाइन बोलने जाओ तो ये है।
आगे ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2500 इक्विटी शेयर। सभी पैसा बराबर आया, खाली एक जो 2500 है शेयर उस पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया, मतलब ये कहा ना कहा इंडिकेट करता है कॉल इन एड्रेस का फंडा है। ठीक है, एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी लिमिटेड। बस आपको खाली क्या करना है, एंट्री पास करना है, मतलब यहाँ पे ना तो फोरफीचर बोला है, फोरफिट कर रहे हैं, या तो रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब बेसिक टाइप का क्या है क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछते हैं। मतलब यहाँ पे आपका कॉल इन अरियस का क्या रहेगा, इफेक्ट आएगा। जब भी फोरफीचर वाला कंसेप्ट नहीं आता तो वहां पे आपकी एंट्री कहाँ पे अटक जाएगी, कॉल इन अरियस पे अटक जाएगी, मतलब उसके आगे प्रोसीड नहीं होगा क्वेश्चन। ये बॉटम लाइन क्लियर रखो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है फोरफीचर का, तो आप क्यों लिख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब फोरफीचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है तो फिर आपको एंट्री पास आउट करनी ही नहीं है, मतलब कॉल इन अरियस में लास्ट एंट्री हो जाएगी आपकी। तो पहले क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत ईजी दिख रहा है, चलो अपन क्या कर देते हैं अभी एंट्री पास आउट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, पहला एंट्री क्या आएगा, जब भी पैसा आता है पहले तो क्या करना, जब भी आपको बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज हो जाएगा चलेगा। पहले तो आप जब भी क्वेश्चन आ रहा तो प्रॉपर क्या करके रखिए, आप बुक्स ऐसे जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के रखिए और प्रॉपर लिख के रखिए, इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी। यहाँ पे मेरा फॉर्मेट तो रेडी है, आप भी फॉर्मेट प्लीज बच्चे लोग रेडी बना के रखिए मेरे साथ, प्लीज सॉल्व करके जाइए, रिक्वेस्ट है सभी बच्चों को, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। यहाँ पे तीन क्वेश्चन मेरे साथ अगर कर लिया तो आपके 8 मार्क्स सिक्योर है आपके जेब में, भरोसा कीजिए मुझ पे, मेरे पे इतना जितना भरोसा अब तक किया है, प्लीज बच्चे लोग भरोसा कीजिए, बुक साथ में लेके बैठे और मेरे साथ सॉल्व करके स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलो पहला एंट्री क्या आएगा, यहाँ पे अगर कुछ दिया डेट नहीं दिया तो आपको खाली सीरियल नंबर लिख के आना है 1 करके। पहला ये शेयर एप्लीकेशन का फंडा आएगा, मतलब शेयर एप्लीकेशन का मनी रिसीव होना चालू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कंपनी ऑफर करती है वैसे ही शेयर एप्लीकेशन मनी आएगा। तो पहला एंट्री क्या आएगा, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और क्लियरली लिखना है शेयर एप्लीकेशन मतलब कौन सा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी सर कितना लिखेंगे, यहां पे अमाउंट कितना आएगा बताइए मुझे, यहां पे अमाउंट कितना आएगा देखो बताता तुम लोग को। पहले ना मैं क्वेश्चन को है ना मैं इधर ले लेता हूं, बेटर रहेगा मेरे लिए भी, इजी होगा, वरना ये स्क्रीन को चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, तो गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको क्वेश्चन को यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, आ गया क्वेश्चन यहां पर मेरा, रुको दो मिनट दो बच्चे लोग, प्लीज रिक्वेस्ट आपको। ठीक है चलो, आ गया ये क्वेश्चन यहां पे। ठीक है चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे आ गया तो भी चलो। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि तो समीर एंड कंपनी लिमिटेड बैंक पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है अभी। सर पैसा तो 30,000 का आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, 30,000 की रिसीव हुई है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे कितना से कितना इंटू करोगे, 30,000 से इंटू करोगे आप, 30,000 से इंटू करोगे इंटू 25, तो 30,000 से अगर मैं इंटू करूँ 25 तो मेरा कितना आएगा, 750,000 आएगा। मैम कैलसी दे दीजिए प्लीज। ठीक है, अगर 30,000 इंटू में 25 करूं तो मेरा आ जाता है 750,000। ठीक है चलो, तो यहां पे एंट्री आएगी मेरी 750,000 की। भाई एंट्री किधर चली गई, हाँ 750,000। ठीक है, बींग शेयर एप्लीकेशन ऑफ
30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 25 ईच। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या आएगा अभी, अभी सेकेंड एंट्री ऑफकोर्स यहाँ पे तो देखो, पहली बात तो प्रोराटा बेस पे है, मतलब यहाँ पे रिफंड का तो फंडा नहीं है, मतलब जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा आ रहा है अपन को क्या करना है, एडजस्ट करना है किसके अंदर, शेयर अलॉटमेंट के अंदर। जब भी इन लोग बोल रहे हैं प्रोराटा बेस पे दे रहे हैं, मतलब आपको क्या करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा वो अमाउंट, मतलब आपको वो अमाउंट अलॉटमेंट में अभी ट्रांसफर कर देना है। ओनली एप्लीकेशन का मनी ही तुम लोग क्या करोगे, फिलहाल में कैपिटल अकाउंट में डालोगे। तो एंट्री क्या आएगा और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट अपन को किधर डालना है, अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर डालना है। तो एंट्री क्या पास करोगे, इसकी एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी सर इसका अमाउंट कितना है, पहले तो आप देख लीजिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना पैसा आया था, अपना 750,000 आया था। पर ये पूरा एप्लीकेशन का अकाउंट अमाउंट है नहीं, एप्लीकेशन का भाई, एप्लीकेशन खाली 25,000 की कंपनी ने की थी, 25,000 इंटू अगर आप 25 करोगे, 25,000 इंटू 25 करोगे तो कितना आता है, 625,000 ही मैं क्या करूंगा अभी कैपिटल में क्या करूंगा ट्रांसफर करूंगा, 625,000 ही मैं क्या करूंगा एप्लीकेशन में कैपिटल के अकाउंट में क्या करूंगा ट्रांसफर करूंगा। तो सर बाकी का रिफंड तो करना नहीं है, तो वो क्या करना है आपको, फिलहाल में शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या कर देना, डाल देना। कितना 5,000 है एक्स्ट्रा शेयर इनटू इनटू कितना आएगा 25, तो आ जाएगा आपका 125,000 अभी 125 और 625 करोगे कितना होगा टोटल आपका 725,000 हो जाएगा। तो यहां पर लिखना है बींग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इक्विटी, मेरे साथ प्लीज नोट डाउन करते जाइए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है बिडू? ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे थर्ड एंट्री पे। अभी क्या बोलता है, अभी बोलता है ये हो गया एप्लीकेशन का फंडा क्लियर, अभी आ जाता है अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट का एंट्री क्या आता है भाई, इक्विटी, पहले तो अमाउंट क्या होता है ड्यू होता है, ड्यू का एंट्री क्या आता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये ड्यू का हुआ। उसके बाद ड्यू के बाद अमाउंट रिसीव होगा एक्चुअल में, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है चलो एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी सर कितना आएगा, ऑफकोर्स ड्यू कितना होगा आपका 25,000 पे, देखो 30,000 तो वो 30,000 तो खाली एप्लीकेशन आई थी उसका है, पर एक्चुअल में अलॉट कितना कर रहा है 25,000, तो सभी चीजें आपकी इनटू किससे होगी, 25 से ही होगी। तो 25,000 इनटू में 50 करूंगा तो सर कितना आएगा, 25,000 इनटू में 50 करूं तो सर कितना आएगा, 12,50,000 आएगा। कितना आएगा, 12,50,000 आएगा। तो मेरा ड्यू कितना हुआ अलॉटमेंट में, 12,50,000। कितना इंटू कितना किया हिरन सर ने, 25,000 इंटू 50 किया तो कितना आता है, 12,50,000, क्योंकि इक्विटी अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट ड्यू कितना होने वाला है बच्चे लोग, यहां पे 50 रुपया होने वाला है। बींग इक्विटी
शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये ड्यू का एंट्री होगा। अभी पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो किस क्या मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल फंडा क्लियर बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट और जो आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था अभी, वो तो ड्यू के टाइम किया था, वो उसको डेबिट किया था, अभी उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसका पैसा अपने को क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो यहां पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब बॉटम ऑफ द लाइन नेट एंट्री क्या बचती अपनी, अगर मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को मैं क्रॉस करो, अज्यूम करो क्रॉस कर दू डेबिट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो नेट एंट्री क्या होती है अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है वीडियो में क्या बोल रहा हूं। तो अभी सर यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा ये तुम लोग को मुझे बताओ कि यहाँ पे सर अमाउंट कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, पूरा 12,50,000 आएगा कि कुछ प्लस माइनस करके आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दो यहाँ पे कि आपका आंसर्स क्या आएगा। मुझे तो मालूम है क्या अमाउंट आएगा, बट आई वॉन्ट कि भाई आप लोग बताओ कि भाई आंसर्स अमाउंट कितना आएगा। एनीवन यहाँ पे एनीवन वेट फॉर, नहीं 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 पार्थ यू आर रॉन्ग आई थिंक सो, एनीवन 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 अरे अब्दुल भाई आई एम फाइन, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ कोई, चलो मैं बता देता हूं। यस यहां पे साक्षी का आंसर आ चुका है भाई, 11,25,000 इट्स योर आंसर। सर कैसे समझाओ, अरे बच्चे लोग मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग देखो 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 यहाँ पे आ जाओ, ऑलरेडी अपन ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिया था तभी अपन ने वो 5,000 का शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा लेके रखा था, उसको अपन को एडजस्टमेंट करना था। देखो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है, 1,25,000, मतलब वो 1,25,000 को अभी क्या करना है, एडजस्टमेंट करने का टाइम आ चुका है। मतलब आपको एक्चुअल में कितना लेना था, 12,50,000 लेना था करेक्ट, पर 12,50,000 में से अगर 1,25,000 तो अपन ने एडवांस में लेके रखा है, तो 12,50,000 में से 1,25,000 को आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो नेट एंट्री कितना आएगा आपका, 11,25,000। यस और नो, यहाँ पे सभी बच्चे लोग को समझ में नहीं आ गया क्या हो गया मेरे साथ, समझ में आ रहा है वीडियो क्या हो रहा है अपने साथ, ठीक है। तो नेट एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, अमाउंट कितना आएगा, 11,25,000। ठीक है चलो, तो यहां पे आ जाएगा नेट एंट्री बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, समझ में आ रहा है ठीक है, और एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट एग्जिस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, समझ में आ रहा है भिड़ू क्या बोल रहा हूं, कैसे जादू हुआ है यहां पे। बहुत सारे बच्चों लोग की छोटी छोटी गलतियां होती है, ये गलतियां नहीं दोहरानी है आपको, ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। ये भी हो गया यहां पे, अभी आ जाता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, उस पर क्या बोलता है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि भाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे 2,500 रुपए पैसा नहीं आ रहा है, पर जब भी ड्यू होगा तो सबको ड्यू होगा, मतलब कंपनी मंगाएगी तो सबसे पैसा मंगाएगी पहले, तो पहले तो 25,000 इंटू क्या कर दो आप, 25 कर दो, तो 25,000 इंटू में 25 करूं तो कितना होता है, 6,25,000 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ड्यू की एंट्री कॉमन है, ड्यू की एंट्री तो बहुत ईजी है, यहाँ पे लिख देते ड्यू की एंट्री क्या आएगी, फिफ्थ ड्यू की एंट्री क्या आएगी, इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ड्यू का एंट्री तो बहुत इजी है, अगर अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर आप कॉल का मनी मांग रहे हो तो कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, कितना अमाउंट बोला मैंने 625,000, यहां पे आएगा 625,000। ठीक है, चलो यहां पे मैं वापस से मेरा नया जनरल एंट्री का फॉर्मेट ले लेता हूं। ठीक है, चलो अभी ड्यू होने के बाद अभी आएगी एक्चुअल मनी रिसीव की बारी। अभी एक्चुअल मनी रिसीव तो होगा सर, पर कितना होगा यहां पे 25,000 में से 2,500 शेयर अगर मैं माइनस करूं, 25,000 में से अगर 2,500 में माइनस करूं, 25,000 में से अगर 2,500 माइनस करूंगा तो सर जो रिमेनिंग 22,500 है उस पे ही पैसा प्रॉपर आ रहा है, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 25,000 में से अगर मैं 2,500 माइनस करूं तो 22,500 पे मुझे पूरा अमाउंट आ रहा है, पर ये 2,500 पे मुझे 25 रुपया नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया, मतलब कॉल इन एरिया से बच्चे लोग यहां पे। तो क्या एंट्री आएगी, पहले एंट्री देखो, एंट्री क्या आती है, एंट्री नंबर क्या है अपनी 6 है। पहले तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे, कॉल इन एरिया को भी डेबिट करेंगे, क्यों कॉल इन एरिया कंपनी के लिए तो लॉस है ना, इसलिए क्या करेंगे अपन डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, बैंक में आएगा कितना पैसा बच्चे लोग, 22,500 × 25, तो कितना होगा मेरा 25 रुपये आ रहा है ना, देख लेता हूं, हाँ 25 रुपये आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना होगा 5,62,500। अभी कितना कॉल इन एड्रेस कर रहा है, 2,50,000 शेयर पे कर रहा है, इंटू कितना वो 25 रुपया नहीं दे रहा है, तो कितना हो जाएगा मेरा 2,50,000 × 25 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 62,500, और इसको प्लस कर दू तो कितना आ जाएगा मेरा 5, वरना डायरेक्ट भी अपन प्लस कर सकते हैं 25,000 × 25, तो कितना हो जाएगा 625,000। समझ में आ रहा है कि नहीं, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी received on, यहां पे कितना लिखना है 22,500 पे and 2,500 shares amount not received। ठीक है, तो यहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है। कितना इजी क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है कि हीरेन सर क्या बोल रहे हैं। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आई उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ने मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। भाई प्लीज़ बच्चे लोग सॉल्व करते रहिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो बिंदास यहाँ पे लिखिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे राइटिंग आइटिंग जो समझ में आ रही है मेरे को तो समझ में आ रही है, अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी है राइटिंग को समझाना इसलिए मैं दो बार एंट्री बोलते जाता हूँ, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर राइटिंग थोड़ा और क्लियर निकालिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ू क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। पहले सबको इधर में क्या कर देता हूँ, ये सब डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर
क्लियर क्लियर। चलो पहले क्वेश्चन को लेके आता हूं मैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर टू, थोड़ा हाई वर्जन है उसका, मतलब कॉलिन एरेज का आगे फोर फीचर वाला है, फंडा है यहाँ पे। लेट सी फोर फीचर वाले पे अभी थोड़ा देखेंगे, नो डाउट इसको क्वेश्चन नंबर टू को क्या करेगा अपन एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे। दो मिनट दे दीजिए, मेरा फॉर्मेट सब रेडी कर देता हूँ। मीनवाइल आप भी क्या कर दीजिए, आपका फॉर्मेट रेडी कर दीजिए बच्चे लोग, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ना है अपने को, इंसर्ट। चलो मैं आ गया यहाँ पे, यहाँ पे मैं जनरल एंट्री ले लेता हूँ, मेरा मेरे पास वो फॉर्मेट रेडी ही होता है, खाली मुझे तो खाली क्लिक करना है। क्या बात है सर, आपको बहुत इजी हो जाता है आपका जनरल एंट्री, दो मिनट में आपका जनरल एंट्री आ गया आपका, क्या बात है। ठीक है और एक ले लेता हूँ क्योंकि बड़ा सम होने वाला था, थोड़ा और प्रिपरेशन करके रखता हूँ। समझ में आ रहा है ना भिड़ू कि डाउट है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए बच्चे लोग, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वापस अपन फॉर्मेट ले लेंगे, डोंट वरी। चलो पहला, अजीत लिमिटेड इश्यू, हाँ कोई कमेंट तो छूट नहीं रही है ना यहाँ पे, कोई डाउट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। चलो अजीता लिमिटेड इश्यू 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज फॉलो, मतलब ₹2 का प्रीमियम है भाई, मतलब इश्यू प्राइस कितने पे है, ₹12 पे है, इश्यू प्राइस क्या हो गई मेरी ₹12। अभी क्या लिखा है, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब यहां पे ₹3 किसका है, अलॉटमेंट का है, और ₹2 किसका है, आपका प्रीमियम का है। ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 3 और 3 6 और 4 ₹10 हो गया, और ₹2 प्रीमियम अलग से हो गया, ₹12 बराबर है। ये कैलकुलेट करने का बॉस, हमेशा आपको पहले इश्यू ऑफ शेयर का कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो पहले प्रॉपर सॉल्व करो और देखो कि भाई करेक्ट है कि नहीं है। यस, एप्लीकेशन वर रिसीव 2,000 or 2,40,000 इक्विटी शेयर, मतलब कंपनी ने इश्यू किया था 2 lakh का ऑफर निकाला था, पर सामने से रिस्पॉन्स कितना आया 2,40,000 का, मतलब ये क्या है भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन है, मतलब कंपनी ज्यादा मार्केट में छाई हुई है इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। इक्विटी शेयर एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन, मतलब यहां पर किसी एप्लीकेंट को नाराज नहीं किया कंपनी ने, कंपनी ने क्या किया, सभी एप्लीकेशन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अभी प्रोराटा मतलब जब भी प्रोराटा का कंसेप्ट बनता है, मतलब यहां पे रिफंड का फंडा नहीं रहेगा, मतलब कंपनी ने सभी को अलॉट किया, जो भी एक्सेस मनी आएगा वो अलॉटमेंट में क्या होगा, एडजस्ट होगा। ये बॉटम लाइन तो आपको क्या है, क्लियर है यहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, द एक्सेस एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड विद द अलॉटमेंट, ये तो हम लोग को मालूम ही है। प्रेरणा वो वॉज अलॉटेड 400 इक्विटी शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर वर फोरफिटेड, मतलब प्रेरणा ने जो, प्रेरणा के पास जो शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे टोटल उसके पास, 400 शेयर्स थे, उस पर उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया और उसके शेयर्स कंपनी ने क्या कर लिया बॉस, फोरफिटर कर लिया। मतलब यहां पे कॉलिन एरियस के आगे थोड़ा पढ़ना है अपने को, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन कॉलिन एरियस तक रुक गए, बट यहां पे कॉलिन एरियस फंडा क्लियर पिक्चर में नहीं आएगा, बट हाँ उसके शेयर्स कंपनी ने क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए, मतलब कंपनी ने जब्त कर लिए। फोरफिट का मतलब क्या होता है, जब्त करना, ठीक है। तो यहां पर अभी देखते हैं अभी एंट्री क्या होगी, पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ अजीता लिमिटेड। चलो मेरा फॉर्मेट रेडी है, इन द बुक ऑफ अजीता लिमिटेड, यस। चलो पहला आ जाएगा मेरा फर्स्ट ओ, क्लियर एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, अरे सर डेबिट यहां पे किधर लिख रहा हूं, डेबिट टू इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मुझे यहां पे बच्चे लोग बताओगे कितना आएगा भाई, अभी अपन ने सॉल्व किया कितना अमाउंट आएगा, कितना इंटू कितना करूं मैं तो अमाउंट आएगा मेरे को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी जस्ट मैंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन वाला देखा अपन ने, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कितना इंटू कितना करना है अपने को फटाफट। तीन रुपया किससे इतने करूं, दो लाख चालीस, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। चलो कोई नहीं, साक्षी यू आर रॉन्ग, दो लाख चालीस इंटू टेन, अरे भाई ईशा का तो अलग ही चल रहा है, दो लाख चालीस इंटू थ्री भाई, दो लाख ईशा यू आर रॉन्ग, दो लाख चालीस इंटू टेन करोगे मतलब सभी पैसा एप्लीकेशन के साथ थोड़ी आया है, एप्लीकेशन में देखो ना बच्चे लोग कितना आया है, तीन रुपया आया है, ठीक है तो दो लाख चालीस इंटू थ्री करूंगा, ठीक है पहले तो कितना अमाउंट आया, दो लाख चालीस आया, बाद में आपको वो एक्सेस अमाउंट क्या करना है एडजस्ट करना है, क्लियर है मेरे बहुत बच्चे लोग, प्यारे बच्चे लोग, यस और नो, ठीक है तो दो लाख चालीस इंटू में क्या करूंगा थ्री करूंगा, तो मैं कर लेता हूं यहां पे दो लाख चालीस इंटू थ्री, तो सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इज माई आंसर, सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इज माई आंसर। बींग शेयर एप्लीकेशन ऑफ 2,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 3 ईच रिसीव्ड, समझ में आ रहा है भिड़ू में क्या बोल रहा हूं, ठीक है सेकेंड एंट्री भी कॉमन है, क्या है कॉमन एंट्री क्या है अपना, सेकेंड एंट्री क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिए, इक्विटी जो अमाउंट आया है उसको क्या करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, और जो एक्सेस अमाउंट है वो इक्विटी अलॉटमेंट अमाउंट में क्या होगा, अलॉटमेंट मनी में क्या होगा ट्रांसफर होगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू किधर ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पे आपको मालूम है एक्सेस मनी अमाउंट रिसीव हुआ है टू, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर सर प्रोराटा बेस पे एडजस्ट नहीं करते रिफंड कर देते तो यहां पे एंट्री क्या आ जाती थी, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन मैंने तुम लोग के लिए लेके आया हो, तो मैंने थोड़ा बेसिक रखा उसके बाद थोड़ा हार्ड उसके बाद और ज्यादा हार्ड, ठीक है चलो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट कितना था, सात लाख बीस हजार था, पर सात लाख बीस हजार थोड़ी प्रॉपर अमाउंट है अपने को, तो एक्चुअल में अपन ने कितना ऑफर किया था, दो लाख ही ऑफर किया था, तो एप्लीकेशन में कितना आएगा, दो लाख इंटू तीन आएगा तो कितना आएगा, छह लाख आएगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में तो छह लाख ही जाएगा, बाकी का जो रिमेनिंग है एक लाख बीस हजार वो क्या करेंगे अपन एडजस्ट करेंगे कभी अलॉटमेंट के स्टार अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, प्लीज स्टार मार्क करके रखिए, लास्ट टाइम तक की गलती ना हो, लास्ट टाइम जब बच्चे लोग ने अभी मैंने पूछा था वहां पे बच्चे लोग ने माइनस किया ही नहीं, भाई इसको माइनस करना है, जब भी शेयर अलॉटमेंट की अलॉटमेंट मनी आएगा बैंक वाला अमाउंट अपन सेकेंड एंट्री पास करेगा अलॉटमेंट की, उसमें आपको क्या करना है ये अमाउंट को क्या करना है माइनस करना है, इसलिए मैंने क्या करके रखा है स्टार मार्क करके रखा है, ठीक है तो यहां पे लिखना है बींग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी एक्सेस मनी ट्रांसफर्ड
टू अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। चलो थर्ड एंट्री पे आ जाते हैं। अभी अलॉटमेंट वाली एंट्री आएगी, अलॉटमेंट की एंट्री तो मालूम है सर क्या आएगा, अलॉटमेंट की एंट्री लिख देते हैं अपन। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है, ड्यू की एंट्री को तो सब कॉमन ही एंट्री है, करेक्ट। समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग, बट यहां पे ट्विस्ट क्या है, यहां पे ट्विस्ट ये है कि इस बार आपके पास प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी है ना बच्चे लोग, यस और नो कि नहीं मालूम है, प्रीमियम है ना बच्चे लोग। ये रहा ना, कहां गया यहां पर क्वेश्चन, ये रहा ना कि इसमें से जो अलॉटमेंट मनी है उसमें से आपका दो रुपया क्या है, प्रीमियम है बॉस। तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आएगा, बिकॉज वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्लियर है आपका कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गुडविल अपन इसलिए चार्ज कर रहे हैं कंपनी में क्योंकि अपनी मार्केट वैल्यू अपनी गुडविल है मार्केट में, इसलिए हम लोग दो रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो उसको भी क्या करना है, क्रेडिट करना भूलना नहीं है, उसको भी तो ड्यू करना है, उसको भी तो मंगाना है अपने को। तो यहां पे सेकंड क्या लिखना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। चलो अभी कैसे एंट्री पास करेंगे, लेट्स सी टोटल अमाउंट कितना ड्यू होगा, कॉमन सेंस है भाई, टोटल मेरा 2 लाख है, 2 लाख इंटू 5 रुपए से मेरे को क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन करूंगा, मुझे 5 रुपए तो चाहिए, करेक्ट। तो टोटल हो जाएगा मेरा 10 लाख रुपया, 10 लाख। अभी 10 लाख में से कैपिटल का अमाउंट कितना है बॉस, कैपिटल का अमाउंट देखोगे तो 3 रुपया मेरा कैपिटल का अमाउंट है और 2 रुपया मेरा फेस वैल्यू है, अरे 2 रुपया मेरा प्रीमियम वैल्यू है, समझ में आ रहा है। तो 2 लाख इंटू 3 करोगे तो 6 लाख और 2 लाख इंटू 2 करोगे तो 4 लाख, ऐसे करके क्या करेंगे अपन, बाइफिकेशन करेंगे, मतलब 6 लाख मेरे किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा और 4 लाख मेरा किस में आएगा बॉस, प्रीमियम अकाउंट में आ जाएगा। बींग शेयर अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ड्यू, गेटिंग माई पॉइंट बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना हिरेन सर क्या करा रहे हैं यहां पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री आएगी, एंट्री भी तो फिक्स है बट खाली अमाउंट कितना है मुझे कमेंट सेक्शन में अभी से बता दीजिए, मैं एंट्री पास कर रहा हूं उससे पहले आप मुझे अमाउंट बताइए कि अमाउंट कितना आएगा सर, ठीक है। चलो अमाउंट एंट्री तो फिक्स है, पैसा आना शुरू हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो अभी मुझे अमाउंट चाहिए कि एक्जेक्ट अमाउंट क्या है, आई थिंक से आ गया है यहां पे, पार्थ ने करेक्ट आंसर दे दिया है, 8,80,000, मतलब आपको आना चाहिए था एक्चुअल में कितना आना चाहिए था, 10 लाख आपका ड्यू है, बट ये जो 1,20,000 भी क्या करना है अपने को, एडजस्ट अपन ने ऑलरेडी एडवांस में लेके रखा है उसको क्या करना है, अभी एडजस्टमेंट का करना का टाइम आ चुका है, मतलब 10 लाख में से आपको 1,20,000 माइनस करोगे तो टोटल कितना बचेगा, 8,80,000 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8,80,000, इसमें से और इसमें से क्या करना है आपको, एडजस्ट करना है प्लस माइनस, मतलब माइनस ही करना है अपने को, 8,80,000। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एक्सेस, लिखना भी है आपको, एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं फिफ्थ एंट्री पे, वो भी एंट्री तो फिक्स ही अपनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला एंट्री फिक्स है कि भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू हो रहा है, एंट्री पहले पास कर लेते हैं। फिफ्थ एंट्री इक्विटी फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यस सर ना, यस बीइंग अमाउंट बता दे जाइए, मुझे भी मालूम है अमाउंट आप कमेंट सेक्शन में लिखे आपके हिसाब से क्या आएगा, बीइंग इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट डू यू, क्या आएगा ड्यू, ठीक है। अभी कितना आएगा मुझे बताइए कोई कमेंट सेक्शन में कितना आएगा भाई, यहाँ पे बता देता हूँ हिरेन सरी बता देते हैं, 2,00,000 × 4 करोगे तो कितना आएगा 8,00,000, कितना आएगा 8,00,000 आंसर आएगा इसका। अभी अभी यहाँ पे थोड़ा संभलना है क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा अमाउंट तो आ नहीं रहा है, मतलब आपका सम अमाउंट ही क्या हो रहा है आ रहा है, मतलब यहाँ पे फोरफिट किया है, कॉल इन एरियस तो नहीं आएगा फोरफिट किया है। तो देखो जहाँ पे अगर कॉल कर कॉल इन एरियस पे फोरफिट वाला कुछ क्वेश्चंस आगे नहीं मेंशन किया, मतलब कॉल इन एरियस पे आपको एंट्री पास करनी है, मतलब यहाँ पे अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में कैसे लिखा बैंक अकाउंट कॉल इन एरियस और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बट यहाँ पे कॉल इन एरियस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है फोरफिट हुआ है, ठीक है। चलो तो पहले एंट्री क्या पास करके बॉस ये बताओ, एंट्री तो अपनी जो नॉर्मल वाली आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आएगा 6 नंबर का एंट्री बैंक, पर कितना अमाउंट आएगा वो मुझे बताओ, यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, मुझे अमाउंट बताइए मैं तब तक नरेशन लिख देता हूं, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड खाली इतना लिखोगे तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, रिसीव्ड अलग लिखो चलेगा क्योंकि यहां पे फोरफिटर तो लिखने वाला नहीं अपन, तो रिसीव्ड तक लिखो। पर अभी मुझे ये बताइए बच्चे लोग आप लोग में से कि कितना अमाउंट आएगा यहां पे, यहाँ पे आंसर आ चुका है 7,98,400 इज अ करेक्ट आंसर सर, कैसे आया बताइए मुझे। अरे बच्चे लोग मेरे प्यारे बच्चे लोग क्यों ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो, देखो ना क्वेश्चन में क्या बोला है, 2,00,000 था अपना, अभी 2,00,000 में से 2,00,000 में अब कंपनी ने ऑफर किया 4 रुपए के हिसाब से, पर उसमें से 400 शेयर क्या कर देना आपने को माइनस कर देना है, क्यों, क्योंकि उसने मैडम ने पैसा दिया ही नहीं, कौन मैडम दी, प्रेरणा मैडम, तो उसमें से अगर मैं 2,00,004 माइनस कर दूं 2,00,000 में से 400 शेयर्स तो बचेगा मेरा 1,99,600 इनटू में 4 करूंगा तो कितना आ गया 7,98,400 ठीक है। अभी आ जाते हैं, यस यहाँ पे आंसर आ गए बहुत सारे जन ने, यहाँ पे पार्थ ने आंसर्स दिया है, बहुत सारे जन ने फोरम ने आंसर्स दिया, बहुत सारे जन लोग ने बालू ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है आप ऐसे एक्टिव रहिए कि मुझे भी लगा कि हाँ भाई बच्चे लोग को आ रहा है क्वेश्चंस, और प्लीज शेयर करते रहिए क्योंकि ये सभी 3 क्वेश्चन में तुम लोग को दे रहा हूं उसमें से ही आपको 8 मार्क का क्वेश्चन दिखेगा, और हिरेन सर को थैंक यू बोलोगे सर थैंक यू सो मच आपके खाली 1 घंटे का सेशन हम लोग ने अटेंड किया और मेरे को 8 मार्क मिल गया, ठीक है। चलो बाद में आएगा अभी फोर फीचर की एंट्री बहुत दिलचस्प से है, मतलब के बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि फोर फीचर की एंट्री बहुत कॉमन है, मतलब एंट्री बहुत कॉमन है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं अपन, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट करेंगे और टू क्या करेंगे फोर फीचर अकाउंट करेंगे। अभी ये एंट्री हो गई, अभी मुझे अमाउंट बताइए क्या किसका होगा, पहले मैं एंट्री लिख देता हूं, ठीक है। 7 नंबर का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट,
यहाँ पे एक एंट्री एक्स्ट्रा हो गई है। लास्ट वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे कॉलिन एड्रेस लिखा था बिकॉज वहां पे क्वेश्चन फोर्थ फीचर का कोई जिक्र नहीं किया था, यहाँ पे फोर्थ फीचर का जिक्र किया है इसलिए अपन ने कॉलिन एड्रेस यहाँ पे नहीं आएगा, अपने को नेक्स्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी। बॉल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फोर्थ फीचर अकाउंट। अभी यहाँ पे जो बात होगी वो 400 शेयर्स की बात होगी। अभी पहले तो मुझे ये बताओ कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा सर, एनीवन? 400 इंटू में कितना करूं, 400 इंटू में कितना करूं, एनीवन? यस, यहाँ पे तो एंट्री दे भी दी है, मतलब पार्थ ने बता भी दिया है, फर्स्ट में 4000 जाएगा, सेकंड में 1600 और थर्ड में 2400। क्या बात है पार्थ, क्या बात है। देखो पहले तो 4000 की जिक्र होगी क्योंकि ए फोर फीचर किसका कर रहे हैं, 400 शेयर्स का कर रहे हैं। 400 इंटू पहले 10 करूंगा क्योंकि उसका शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आना चाहिए था, टोटल 10 रुपए के हिसाब से। यहां पे मैं बात करूं तो 400 इंटू, यहां पे लिखते जा रहे हो तो तुम लोग को समझ में आएगा, 400 इंटू 10 करूंगा तो ये हो जाएगा 4000 हो जाएगा। अभी उसमें से भाई ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना नहीं दिया, भाई ने कितना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 400 इंटू 4 रुपया था, 4 रुपया था ना भाई, क्या कर रहे हो, ये देखो ना बच्चे लोग, 4 रुपया था ना, वो नहीं दिया, वो किसका था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था। तो 400 इंटू 4 करूंगा, यहां पे लिखते जा रहा हूं 400 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 1600। और कितने शेयर फोरफीटर कर लेंगे, कितने अमाउंट का जो उसने पे किया है, मतलब कितना पे किया रहेगा उसने, देखो उसने कितना पे किया रहेगा, कैपिटल अमाउंट काउंट करने का, इसमें प्रीमियम वीमियम कुछ काउंट नहीं होता है। 3 रुपया यहाँ पे और 3 रुपया यहाँ पे, मतलब भाई ने 6 रुपया, प्रेरणा ने, मतलब प्रेरणा ने 6 रुपया पे किया था, वो 6 रुपया उसको भूल जाना है और कंपनी क्या करेगी, वो 6 रुपया भी उसको वापस नहीं करेगी, फोरफीट कर लेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपया आ जाएगा। बींग 400 शेयर्स फोरफीटेड ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है बच्चे लोग, इतना इजी समझ आता है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये इनसे पढ़ा क्या रहा है। यस तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे लोग। देखो पहले वाले क्वेश्चंस में फोरफीटेड की बात ही नहीं होती, मतलब कॉलिन एरियस का अपना एंट्री क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। यहाँ पे फोरफीचर की बात हुई है, मतलब कॉलिन एरियस नहीं आएगा पिक्चर के अंदर, वहां पे यहाँ पे फोरफीट करेंगे, मतलब अल्टीमेटली उसको उसके शेयर्स क्या कर लेगी, कंपनी जब्त कर लेगी, कॉलिन एरियस ऐसा कुछ बुक ही नहीं करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली उसका शेयर्स क्या करेंगे, उसको देंगे ही नहीं वापस, मतलब जितना है कंपनी उसका रख लेगी और बाकी सब फोरफीट कर लेगी, मतलब जब्त कर लेगी। अभी जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे वो उसके अंदर आपको फोरफीचर के बाद में नेक्स्ट आगे वाले एंट्री मतलब री इश्यू करेंगे तो सर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका वो ही है। चलो इसको पहले सब कमेंट क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, क्लीन कर देता हूं, क्लीन। उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग को समझ में आ रहा है मेरे साथ क्या कर रहे हो बच्चे लोग, आप सॉल्व कर रहे हो, मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूं। मैं यहां पे देखने नहीं आऊंगा कि आप सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्लीज बच्चे लोग मेरे साथ अगर सॉल्व नहीं कर रहे तो प्लीज बच्चे लोग क्या करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। यस चलो तो यहां पे ये भी क्लीन कर देता हूं और ये भी क्लीन कर देता हूं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और थोड़ा बड़ा सम है और नो डाउट बड़ा सम है, मतलब 2-3 एंट्री ज्यादा है उसमें, मतलब क्योंकि उसमें री इश्यू भी हुआ है। ठीक है चलो अरे भाई क्या होगा, चलो क्वेश्चन आ गया मेरे स्क्रीन पे एंड चलो मैं ये भी ले लेता हूँ नोट।
जनरल एंट्री प्लीज़ आप भी क्या करिए, मीनवाइल जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के रखिए बच्चे लोग, मेरा तो क्या रेडी है यहाँ पे। चलो जरूरत पड़ेगी तो अपन तीसरा मैं ओपन कर दूंगा, मीनवाइल दो ही करते अपन, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन एक्चुअली दिया कैसा है पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आराम से समझेंगे इसको, ठीक है। पानी दे दो मैडम। भाई सब लोग गए किधर? 13 पीपल्स देख रहे वीडियो को, सो गए क्या सब लोग? चलो पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, और कोई स्पेशल कमेंट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में बचा के रखे, लास्ट मोमेंट पर अपन डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। राकेश लिमिटेड इश्यू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल एज फॉलो। मतलब यहां पे बॉस प्रीमियम पे है अमाउंट अपना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इश्यू प्राइस क्या पे क्या हो गई, यहां पे इश्यू प्राइस ₹120 हो गई है। एप्लीकेशन पे आया है अपना ₹20, अलॉटमेंट पे आया है ₹50, मतलब इसके अंदर ₹20 इंक्लूडिंग है, मतलब ₹30 इज माय फेस वैल्यू और ₹20 इज माय प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे ₹20 आया है और फाइनल कॉल पे कितना आया है, यहां पे ₹30 आया है। एप्लीकेशन वर रिसीव 3000 शेयर, मतलब कंपनी ने ऑफर 2000 का किया पर सामने रिस्पॉन्स 3000 का आया। 2000 यहां पे 2000 है, 2000 शेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट फॉर 2400 शेयर्स। मतलब कंपनी ने यहां पे थोड़े शेयर्स को क्या किया, प्रोराटा फॉर्म में एडजस्टमेंट किया है, मतलब 2400 एप्लीकेशन को एडजस्ट करके 2000 शेयर्स के अंदर एडजस्ट किया, बाकी का 600 शेयर का क्या है देखो लिखते हैं। द रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑफ 600 शेयर्स आर बीइंग रिफ्यूज्ड एंड एप्लीकेशन मनी देयर आर ओन वॉज रिफंडेड। मतलब जहां पे 600 शेयर्स का कंपनी ने क्या किया, रिफंड कर दिया है अमाउंट। देखो टोटल आया था 2000, उस पे कंपनी ने 2400 का प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर रहे हैं, मतलब ये 400 आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है अलॉटमेंट मनी के अंदर, और बाकी की 600 इक्विटी एप्लीकेशन का कंपनी ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है और उसका पैसा वापस से करने की क्या कर दिया, कंपनी ने मांग कर दी है, डिसीजन बना लिया है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट मनी। ये जो तुम लोग को मैंने अभी जस्ट बोला 400 शेयर्स की बात कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार टू whom द 80 शेयर्स वर अलॉटेड। मतलब मंदार को 80 शेयर्स दिया था, उसमें क्या, मंदार फेज टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब मंदार ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है। His share were forfeited and were reissued to Mr. Ketan as a fully paid 80 per shares. General the transaction in the book of the company. चलो आ जाते हैं, और कुछ थोड़ा बड़ा सम है और ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं, मतलब reissue टाइप का, तो उसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। राकेश लिमिटेड है, इन द बुक्स ऑफ, मेरा यहाँ पे जनरल एंट्री रेडी है, इन द बुक्स ऑफ राकेश लिमिटेड, ठीक है। चलो पहला एंट्री कॉमन है, फर्स्ट एंट्री इज कॉमन,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो अभी कितना अमाउंट आएगा सर यहां पे? कॉमन सेंस है भाई, सभी एप्लीकेशन अमाउंट तो पहले सभी साथ में आती है। 33,000 शेयर्स, 3,000 इंटू कितना करूंगा मैं, 20 रुपया, तो 60,000 मेरा अमाउंट आएगा। ये तो कॉमन ही है, इसमें तो अभी क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए आप लोग को। 60,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अभी तुम लोग को यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री है ना, उसको मैं चाहता हूँ कि तुम लोग क्या करो, उसको दो पार्ट में लिखो। मतलब दो पार्ट में सर कैसे समझाओ वापस से? देखो यहाँ पे आपका तीन सिनेरियो हो रहा है। पहले तो आपका एप्लीकेशन का अमाउंट भी आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। सेकंड, आपका 400 शेयर्स पे आपको एडजस्ट भी करना है, वो किधर जाएगा, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर। और बाकी का 600 रुपये आपको किधर करना है, आपको ट्रांसफर कर देना है, अरे क्या करना है, रिफंड कर देना, मतलब बैंक अकाउंट आपके क्या हो जाएगी कि क्रेडिट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप क्या कीजिए, पहले कैपिटल का अमाउंट की एक एंट्री पास कर दीजिए, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बेटर रहेगा। कंबाइंड एंट्री मत पास करो, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर है कि पहले आप क्या कर दीजिए, जितना आपका एप्लीकेशन का अमाउंट है, कितना एप्लीकेशन का अमाउंट है आपका 2000 अमाउंट को क्या कर दीजिए, पहले उसको उसके अकाउंट में पहुंचा दीजिए। किसके अकाउंट में? कैपिटल के अकाउंट में। तो यहां पे एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर। आप अगर एक्सपर्ट हो तो आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे लोग वहां पे। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉट, अरे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कहेगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना आएगा, 2000 की क्या है मेरी ऑफर थी, उस पर कितना आ रहा है पैसा, 20 रुपया आ रहा है, तो इतना कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, हो गया 40,000 बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, ऑफकोर्स अपनी वो कंबाइन एंट्री पास करनी है, ठीक है, वो जो 20,000 बच गया है उसकी एंट्री पास करनी है, क्योंकि 20,000 बच गया है ना अभी भी। 60,000 अपन ने अभी खाली 2000 की अपन एप्लीकेशन की 2000 की अपन ने एंट्री पास की, अभी भी 10,000 की एंट्री पास करनी है। वो 10,000 में से 400 वाली जो है अपन को एडजस्ट करनी है शेयर अलॉटमेंट में, और 600 वाली रिफंड करनी है, तो उसकी भी एंट्री पास करते हैं अपन। क्या लिखेंगे इधर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों किया, इस बार पैसा जा रहा है ना बॉस, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वॉस गोज आउट, तो ये क्या होगा मेरा बैंक अकाउंट, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया। अभी देखो एप्लीकेशन कितने 1000 का था, यहाँ पे 1000 की बात करेंगे, अभी 1000 इंटू 20 रुपीज, तो हो जाएगा मेरा 20,000। और शेयर अलॉटमेंट में मैं कितना एडजस्ट करूंगा, 400 रुई है ना, 400 इंटू 20, तो ये हो जाएगा मेरा 8,000 सर। और रिफंड कितना करूंगा, 600 पे 600 इंटू 20, तो इतना आ जाएगा मेरा 12,000। समझ में आ रहा है, 12,000 और 8,000 ऐड करोगे तो 20,000 आ जाता है अपना बींग। अब चाहो तो कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते थे, क्या आती थी तभी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, कंबाइन एंट्री पास कर सकते थे। जहाँ पे यहाँ पे आपका 60,000 आता था, यहाँ पे आपका 40,000 और 8,000 और 12,000, ऐसे करके आपकी क्या हो जाती थी, एंट्री हो जाती थी। समझ में आ रहा है, आप चाहो तो कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, अलग अलग भी एंट्री पास कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू।
बीइंग 4400 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड 600 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। सिंपल है बच्चे लोग, थोड़ा राइटिंग थोड़ा डॉक्टर राइटिंग है मेरा, तो प्लीज बेयर विथ मी। मैं ट्राई कर रहा हूं कि जितना हो सके मैं क्लियर रखूं, ठीक है। चलो, इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे साथ लिखते जाइए, बेटर होगा आपका भी। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ एंट्री। पहला एंट्री पूरा क्लियर है अभी, फोर्थ एंट्री तो रूल तो मालूम है। और यहां पे प्रीमियम है तो प्रीमियम भूलना नहीं, जब भी प्रीमियम आएगा तो ड्यू में उसका भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो पहले तो एंट्री का जो फॉर्मेट अपने को मालूम है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अभी मुझे बच्चे लोग बताओगे कितना एंट्री कितना अमाउंट कितना रहेगा। कॉमन सेंस है ना बच्चे लोग, 2000 इंटू में 50 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा यहां पे 1 लाख आ जाएगा। अभी 1 लाख में से कैपिटल का अमाउंट कितना है सर, कॉमन सेंस है वंस अगेन, कैपिटल का अमाउंट फेस वैल्यू मतलब कैपिटल का अमाउंट 30 है, 30 इंटू 2 करूंगा तो 60,000 मेरा क्या है कैपिटल अमाउंट है, और बाकी का जो 40,000 है वो मेरा क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या हो जाएगा ड्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी अमाउंट मुझे क्या होगा यहां पे मिलना शुरू हो जाएगा ड्यू के बाद, तो पैसा आएगा बच्चे लोग बैंक अकाउंट। मुझे बताओ कि यहां पे अमाउंट कितना आएगा, सरप्राइज नहीं होना है। आगे अपन ने ऑलरेडी लेके रखा है एडवांस में, पर मुझे यहां पे एक्चुअल में आंसर चाहिए कि मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए एक्चुअल में कितना अमाउंट मेरा यहां पे आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, मैं नरेशन लिख रहा था तो मुझे आंसर चाहिए। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नहीं आए, यस यहाँ पे आंसर आ चुका है 92,000, करेक्ट आंसर है 92,000। वापस से सर बच्चे लोग बोले गए सर 92,000 कैसा आया, अरे मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग, जब भी आप एडजस्टमेंट अमाउंट को कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो भी इधर क्या करिए स्टार मार्क करके रखिए, क्या करके रखिए स्टार मार्क करके रखिए, अपने को ये एडजस्टमेंट का अमाउंट करना पड़ेगा जब भी अपन का क्या करेगा अलॉटमेंट का अमाउंट क्या करेगा रिसीव करेंगे तभी। तो भाई अपने को 1 लाख लेना था, उसमें से 8,000 ऑलरेडी एडवांस में लेके रखे थे, तो अपने को अभी कितना लेना है 92,000 ही आएगा अकाउंट के अंदर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यहाँ पे भी पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू कितना होगा 2000 × 30 मतलब 60,000 मेरा ड्यू होगा। सिक्स एंट्री, एंट्री तो फिक्स है, इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो बच्चे लोग यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर दो वीडियो को, यार लाइक बहुत कम दिख रही है मुझे, क्या हो गया आप लोग को, प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ठीक है। बीइंग
इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कितना आएगा यहां पे? क्लियर है? यहां पे मैंने तुम लोगों को बोल दिया, किधर गया अमाउंट? यस 2000 इंटू आपका क्या आ जाएगा 20 आएगा। अच्छा सॉरी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलग अलग है, मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फाइनल कॉल का निकाल दिया, मेरे को लगा दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ फाइनल कॉल निकाल देता हूँ यहाँ पे, सॉरी। क्या बात है सर, आपके पास तो बहुत टेक्नोलॉजी आई है, तो आपको दो मिनट में निकाल दिया फर्स्ट, ठीक है। अभी कितना अमाउंट आएगा, 20 इंटू 2000 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, और बोल भी नहीं रहे कोई बच्चा यहाँ पे। अभी यहाँ पे और अरियर्स किस में है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों में कि एक में, लेट्स सी कमेंट सेक्शन में देख, अरे इधर देखते हैं यहाँ पे। ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदा हु हैज अलॉटेड 80,000 शेयर, मंदा फेस टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब वो भाई ने दोनों कॉल में डिफॉल्ट मारा है। तो अभी नेक्स्ट एंट्री आएगी बैंक की, जहां पे पैसा अमाउंट एक्चुअल में रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट। अभी अमाउंट कितना आएगा बच्चे लोग, क्लियर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। 40,000 में अगर मैं बात करूं 2000 शेयर से, वो बंदे के पास 80 शेयर था, तो 2000 शेयर में से अगर मैं 80 शेयर माइनस कर दूं 1920 पे, अगर कितना रुपया आ रहा है, 20 रुपया आ रहा है, तो मेरा कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, 38,400 रुपीज आएगा। कितना आएगा, 38,400 फर्स्ट कॉल पे मनी अमाउंट रिसीव होगा, 38,400। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे फाइनल कॉल वाले पे, फाइनल कॉल की भी एंट्री क्लियर है। इक्विटी ड्यू की एंट्री तो कंफर्म ही है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, यहां पे बहुत अच्छी बात है बच्चे लोग आंसर भी देते जा रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी कितना ड्यू होगा यहां पे, ड्यू तो पूरे पे होता है, 2000 शेयर इंटू 30 तो कितना होगा, 60,000। कितना होगा यहां पे, 60,000। बीइंग फर्स्ट कहां पे लिख रहा हूं, फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अभी एक्चुअल में अमाउंट कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एंट्री पास कर रहा हूं तब तक। एंट्री भी कॉमन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आंसर भी आ गया है, यहाँ पे ईशा ने बोल भी दिया 57,600 नाइन्थ एंट्री का। क्या बात है, इतने फास्ट है भाई, 5G से भी फास्ट है यहाँ पे मेरे स्टूडेंट। टू इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट ऑलरेडी आ चुका है 57,600, लिख देता हूं मैं। कैसे आया सर? अरे भाई कॉमन सेंस है, 2000 में से वो बच्चे ने 80 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो 80 माइनस कर दो तो 1920 इंटू 30 कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, 57,600। यस चलो 57,600 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अभी आ जाते हैं फोर फीचर पे, कहां पे आ जाते हैं बच्चे लोग, फोर फीचर्स पे। फोर फीचर्स की भी एंट्री क्लियर है बच्चे लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था वो आएगा उसका टू में, टू फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया था वो भी आएगा, और टू उसके शेयर फोरफिट कर देंगे, मतलब जितना भी अमाउंट भाई ने पे किया रहेगा मंदार भाई ने, वो भी अमाउंट क्या हो जाएगा उसका, लैप्स हो जाएगा, मतलब कंपनी के पास जब्त हो जाएगा, मतलब कंपनी के लिए वो प्रॉफिट है इनडायरेक्टली, ठीक है। चलो पहले एंट्री में पास कर लेता हूं,
इक्विटी शेयर। देखो इश्यू ऑफ शेयर्स में ना खाली वो जो इंटू करने का फंडा अगर आपको समझ में आ गया, बाकी एंट्री तो सब में सेम ही है, एंट्री में कोई चेंज नहीं है बॉस। आपको खाली इंटू करने का फंडा क्लियर हो जाएगा ना तो बॉस यू आर द रॉक। यहाँ पे पार्थ आई थिंक सो रॉक कर रहा है, यहाँ पे फटाफट आंसर्स दे रहा है, मतलब दे धनाधन ले धनाधन दे धनाधन। ठीक है, उसने आंसर्स दे दिया। हाँ पार्थ मिल गया मुझे आपका आंसर, डोंट वरी, मैं अभी मैं एंट्री लिख दूं। ठीक है चलो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पहले किसका पैसा नहीं दिया उसने, इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अभी देखो उसके कितने शेयर्स थे, कॉमन सेंस है 80 शेयर्स थे, 80 इंटू में कितना करूंगा 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 8000 आ जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे प्रॉपर जो फोर फीचर वाली एंट्री है, जितना जो मंदार ने नहीं दिया, मतलब जितने भी फोर फीचर, मतलब जिसके शेयर फोर फीचर वाले उससे इंटू करना है और उसमें प्रीमियम अमाउंट गलती से मत लेना। बच्चों लोग का बहुत एक कॉमन मिस्टेक होती है, उन लोग क्या कर लेते हैं, एक लोग क्या कर लेते हैं टोटल 120 अरे सॉरी 120 अमाउंट टोटल कर लेते हैं। अरे भाई यहाँ पे खाली कैपिटल का अमाउंट काउंट करना, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट है, यहाँ पे प्रीमियम की बात ही नहीं हो रही है बॉस। ठीक है, तो यहाँ पे 80 इंटू 100 120 गलती से भी मत करके आना, ये बहुत कॉमन एरर होता है एवरी स्टूडेंट का, तो ये गलती नहीं दोहरानी है। हीरेन सर ने इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट कॉल का मनी कितना नहीं दिया था भाई ने, 80 इंटू कितना नहीं दिया था, आई थिंक सो 20 रुपया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन में देख लेता हूं, यस 20 रुपया था, तो 80 इंटू 20 करूंगा तो 8 2 करूंगा तो 16, तो यहां पे 20 और हो जाएगा, 1600 यहां पे आ जाएगा। फाइनल कॉल का भी 80 इंटू 30 रुपीज नहीं दिया था उसने भाई ने, तो 2400 रुपया ये आ गया। और फोर फीचर मतलब उसने कितना दिया अब तक उसकी बात करेगा, अभी शेयर फोर फीचर मतलब कितना दिया था, तो 20 रुपया नहीं दिया था, 30 रुपया नहीं दिया था, मतलब 50 रुपया नहीं दिया था, 50 रुपया दिया था भाई ने, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 4000 ये आ जाएगा आपका, तो हो गया ना 4000 प्लस 2400 और प्लस 1600 को प्लस करके तो टोटल 8000 हो गया आपका। हमेशा आपका डेबिट क्रेडिट अमाउंट क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो बॉस आपने रॉन्ग कैलकुलेशन किया है, ये पहले क्या करना आप क्लियर रखना। ठीक है, बींग शेयर ऑफ 80 ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये ड्यू हो गया, आगे बढ़ेगा। अभी क्या कर रहे, री इश्यू कर रहे हैं, तो री इश्यू में एंट्री क्या आएगी, लेट्स सी। पहले तो कितने पे री इश्यू कर रहे हैं अपन वो समझ लेते हैं। वो जो 80 शेयर्स था उसको कंपनी ने वापस से री इश्यू कर दिया टू केतन को एज अ फुल्ली पेड अप 80 पर शेयर्स। री इश्यू की एंट्री क्या आएगी भाई, पहले तो आपको बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डेबिट हो जाएगा। देखो यहां पे आ जाओ, एंट्री कैसे पास करते हैं, 11th एंट्री, पैसा आ रहा है बॉस अभी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट क्या आएगा, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको देखो पहले फुल्ली एज अ फुल्ली पेड अप दे रहे हैं 80 रुपए का शेयर्स, भले एक्चुअल में उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपया है, तो यहां पे 8000 आ जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, उसमें से एक्चुअल में उसको कितने रुपए में दे रहे हैं, 80 इंटू 80, क्लियर है, 80 इंटू 80 करोगे 8 8 64, तो 6400। और बाकी का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एक टाइप का डिस्काउंट बोलो उसको, इज नथिंग बट शेयर फोर्टी फ्यूचर में क्या करेगा अपन एडजस्ट कर देंगे, कितना अमाउंट आएगा वो 1600 आएगा। ठीक है, तो बींग
रेशियो ऑफ 80 शेयर्स फोर फिटेड एट रुपीज 80 पर शेयर्स बींग रीइश्यू ऑफ 80 शेयर्स ऑफ रुपीज 80 ईच। अभी लास्ट में आ जाएगा ये जो फोर फीचर का अमाउंट है आपको क्या करना है, किधर ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एनीवन मुझे बताइए कि कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा और क्यों और कैसे होगा, मुझे वो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अमाउंट जब तक मैं एंट्री पास कर रहा हूं तब तक आप बता दीजिए कि कितना एंट्री कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा प्लीज। ठीक है, एंट्री तो क्लियर है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब क्रेडिट होगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर। एनीवन कुछ आंसर दिया क्या, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 2400 करेक्ट, करेक्ट साक्षी आपने करेक्ट आंसर दिया है। भाई कॉमन सेंस है ना बच्चे लोग, कॉमन सेंस है ना। अगर सपोज के 4000 जो ये वापस से 4000 में से क्रेडिट डेबिट को माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 4000 में से 1600 गया तो कितना बचेगा, 2400 बचेगा। तो ये 2400 ही आपको यहाँ पे लिखना है, कितना अमाउंट नेट अमाउंट ट्रांसफर होता है हमेशा 2400। समझ में आया बिड़ू? तो यहाँ पे अपना क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। मतलब टोटल अपन ने टोटल तीन अपन ने क्या किया, सॉल्व किए। पहला बेसिक वाला कॉल इन एरर्स पे खत्म हो जाता है, मतलब वहाँ पे कॉल इन एरर्स का इफेक्ट आएगा। कॉल इन एरर्स के बाद अपन ने एक स्टेप आगे बढ़े फोर फीचर्स पे, सेकंड क्वेश्चन, और उसके बाद और आगे बढ़े जहाँ पे अपन ने क्या किया था, री इश्यू वाला अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। अभी कोई कमेंट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके जो भी सवालों का जवाब हीरेन सर यहाँ पे देंगे। सीक्रेट सुपर सर का है जब क्वेश्चन है कि सर इंडेक्स नंबर का लाइव लेक्चर कब लोगे, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ बेटे, अगर जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर उस पर अपडेट करूँगा आप लोग को। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यस बच्चे लोग मुझे मालूम है, मतलब मैं अभी इतनी जगह फंसा हुआ हूँ कि मतलब पूछो नहीं, मतलब मैं ट्राई करूँगा कि आज का रात का जो सेशन है मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। 9:30 बजे अपन लाइव आने वाले हैं, आपको खुद को मालूम है कि आपके अकाउंट्स बहुत लेंदी है, नो डाउट आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे आपके बुक से अंदर, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स रात को सॉल्व करना है अपने को लाइव सेशंस में कि एनपीओ लेके आओ। दो ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा हूँ सभी चीज़ पे मैं, सब मतलब देखो दिन में तीन तीन लाइव आ रहा हूँ तो भी मैं सब जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए कि एनपीओ चाहिए। और ऑब्जेक्टिव भी आपको खुद को मालूम है, सभी चैप्टर्स के यहाँ पे नहीं होने वाले, मतलब आधा आज करेंगे, आधा कल वाले लाइव सेशन में करेंगे, मतलब थोड़ा सा पार्ट में करने पड़ेंगे क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्टिव से पॉसिबल ही नहीं है कि आप, क्योंकि वरना उसके लिए 2 से 2.5-3 घंटा लग जाएगा। तो बेटर है कि दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, आधे आधे चैप्टर को डिवाइड कर दूंगा, या तो 1 से 5 और बाद में रिमेनिंग चैप्टर, या तो जितने भी हुए 1 घंटा 1.5 घंटा लेके रात को 9:30 से 11 बजे तक। तो लेट्स सी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए कि क्या चाहिए आपको। सबसे ज्यादा कमेंट जो एनपीओ पे दिख रही है अब तक तो मुझे, तो आई थिंक सो मुझे एनपीओ की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा रहेगा तो कल अपन क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे। ठीक है चलो, मेजोरिटी कमेंट्स यहाँ पे प्रथमेश टू अकेला ही बोल रहा है ऑब्जेक्टिव्स को लेके, बाकी सभी चीजें सभी लोग क्या बोल रहे हैं, एनपीओ बोल रहा है तो मुझे एनपीओ की तरफ ही जाना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो मिलेंगे कल, मतलब तुम डिप्रेस हो, ठीक है इधर कुछ अलग ही चल रहा है कहानी। चलो कंक्लूड करें आज का सेशंस, एनपीओ नो डाउट बच्चे लोग एनपीओ लेके आऊंगा, डोंट वरी, 9:30 बजे आ जाना, पहुंच जाना। एनपीओ का क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम एक ही सॉल्व करेंगे क्योंकि एक में ही आपको नहीं तो नथिंग बट 1 घंटा लग जाएगा, तो एक ही क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। और मैं ऐसा रहेगा तो लास्ट ईयर का ही लेके आऊंगा, मतलब लास्ट ईयर का मतलब लास्ट बोर्ड एग्जाम का जो रहेगा वही लेके आऊंगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि भाई
क्या एग्जैक्टली पूछते हैं उन लोग। ठीक है चलो कंक्लूड करें। ईशा बाय बाय बाय। ठीक है चलो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं 9:30 बजे। प्लीज़